नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जेट केयर सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं राजकुमार शर्मा आज आपको लेकर आया हूं अपने ही ऑफिस में, जहां हम दोस्तों एक मशीन की सर्विस करेंगे, वीडियो जेट के विलेट 630 की, जो कि ये मशीन आई है हमारे पास उत्तर प्रदेश के मथुरा इंडस्ट्री एरिया से। क्लाइंट ने दोस्तों हमें बताया था कि मशीन हमारी करीब करीब 1.5 से 2 साल से बंद रखी हुई है और बिल्कुल मतलब कोई काम नहीं हुआ इस मशीन पे 1.5 से 2 साल में, एज इट इज रखा हुआ है। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको मशीन दिखाता हूँ जो कि रखी हुई थी और अब हम उसकी सर्विस वगैरह करेंगे, देखेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम आती है और क्या उसका शॉर्ट आउट हम करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने सर्विस सेंटर वाले डिपार्टमेंट में चलते हैं और देखते हैं कि मशीन में क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये मशीन हमारे पास आई है यूपी के मथुरा इंडस्ट्री एरिया से, विलेट का 630, वीडियो जेट विलेट 630। क्लाइंट ने हमें बताया कि मशीन करीब करीब 1 से 1.5 साल से बंद है। दोस्तों, ये मथुरा वाला मशीन है जिसका 630 मशीन है। एक्चुअल में दोस्तों अब हमने इसमें किया क्या है, हमने सिर्फ इस मशीन की सारी लाइनें साफ करी हैं, इसके सारे वॉल्व बंद थे, सारे वॉल्व को हमने क्लीन कराया, सारी लाइनें क्लीन करी हैं, पंप क्लीन करा है, कोर के अंदर जो इंक थी उस इंक को निकाला है और इंक की जगह हमने मेकअप लोड करा। मेकअप लोड करने के बाद हमने इसको करीब करीब 8 से 10 घंटे मेकअप से चलाया इस मशीन को, फिर हमने मेकअप को रिमूव किया है, निकाल दिया मेकअप को बाहर मशीन में से, उसके बाद हमने वापस इसमें इंक लोड करी है। इंक लोड करने के बाद दोस्तों हमने मशीन स्टार्ट करा और हमने देखा कि प्रिंट बहुत बेहतरीन आ रहा है। अब हम आपको दोबारा से इस मशीन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद इसका प्रिंट दिखाते हैं आपको। ये इसमें ये देखेंगे आप, ये मैसेज डला हुआ है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे और आपको इसका प्रिंट दिखाएंगे। बाकी दोस्तों और किसी चीज़ में इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें सिर्फ लाइन चौक और वाल वगैरह चौक थे इसके और कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब हम आपको स्टार्ट करके इसका लाइव प्रिंट दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों ये जो हमारी विलेट 630 मशीन हमारे पास जो मथुरा से आई थी, इसमें आज हमने दिन भर इसमें काम किया और दोस्तों हमने देखा कि इसकी सारी जो ट्यूब होती हैं वो सारी चोक हो रखी थी। हमने सारी ट्यूबों को क्लीन किया है, नोजल चोक हो रखा था उसको हमने अल्ट्रासोनिक किया, सारे के हेड के वाल चारों वाल बंद थे, हेड के कोर के भी वाल चोक थे, गटर पंप इसमें होता नहीं है, इसमें वेंचुरी के से सक्शन होता है, तो कोर के और हेड के और जितने भी वाल थे इंक मेकअप एड वगैरह के सारे वाल इसके दोस्तों चोक हो रखे थे, क्योंकि मशीन को काफ़ी टाइम हो चुका था, 2 साल से मशीन करीब करीब ये बंद थी। वैसे मशीन ये ज़्यादा रनिंग नहीं हुई है, लेकिन क्या है कि काफ़ी टाइम से रखी होने की वजह से चोक हो रखी थी। दोस्तों ये मशीन एक्चुअल में क्या होता है कि कन्वेयर पे यूज हो रखी थी, ये 3 लाइन का प्रिंटर होता है। फिर दोस्तों हमने क्या किया, इसकी इंक निकाली है, इंक निकाल के हमने इस मशीन में इंक की जगह मेकअप को लोड किया है। मेकअप लोड करने के बाद हमने इसको करीब पूरे 3 से 4 घंटे हमने इसको मेकअप से रन किया है। मेकअप से रन करने के बाद हमने इसका मेकअप निकाल दिया है। मेकअप निकालने के बाद फिर हमने इसको इंक लोड किया है मशीन के अंदर। उसके बाद करीब करीब हमने 2 घंटे हमने इसको चलाने के बाद देखा है कि अब मशीन हमारी पूरी तरह एकदम ओके पोजीशन में है। आपने देखा दोस्तों इसका एकदम क्लियर प्रिंट आ रहा है, एकदम बेहतरीन प्रिंट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इस मशीन में। तो दोस्तों अगर आपको भी अपनी मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कोर से रिलेटेड, वॉल्व से रिलेटेड, नोजल से रिलेटेड, अगर आपके पास भी आपकी मशीन
रखी है, आपको उसको सर्विस मेंटेनेंस कराना है, तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हमारे हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, हमें व्हाट्सअप करें, हमें कॉल करें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।